अस्सलामुअलैकुम, जीसी बासुकार हुसैन। और आज मैं जो आपको चाहता हूँ मुझे पता चला टेस्ट कराने आने मुझे अपने वाइफ के, तो अभी आधी सेकंड में आपके सामने जाएंगे और आपको दिखाएंगे फारूक यादव ने जाना है वहाँ चेकअप करवाना है, टेस्ट करवाना है अपनी वाइफ के और अपनी सिस्टर का एक्सरे करवाना है। ये ज़िंदगी शादी के बाद की सोचनी है, सोच समझ के करिएगा, बहुत टफ लाइफ है। नींद पूरी नहीं थी, मैं सुबह 7 बजे जॉब के लिए निकला था और जॉब से आया हूँ 5 बजे, 5 से आने के बाद अब वहाँ फिर वहाँ से रिटर्न, फिर दोबारा सोना, फिर कल डॉक्टर के हॉस्पिटल से आना। तो अभी की आपको सिम दिखाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और मेरी बेटी भी आई है, हाँ बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी के तौर पर मेरे ऊपर से बोला जा रहा है। सो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और ये ऑटो में बैठ चुके हैं। यार इतनी महंगाई हो चुकी है, ऑटो वाले ने भी भाई 250 लिए। हम फारूक आजम की तरफ जा रहे हैं और ये हम नाजमाबाद से निकल चुके हैं। रास्ते का कुछ सफ़र इसलिए अच्छा था कि आज का मौसम बड़ा कदर बेहतर था और क्योंकि बारिश का एक मौसम बना हुआ था, तो इसलिए मैं और मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर हम लोग बैठ के फारूक आजम जाने के लिए निकल पड़े और ये रास्ते में दिल पसंद पड़ गया। कैमरा हिल रहा होगा आई नो, क्योंकि मेरे पास मैं हाथ से पकड़ा हुआ था मोबाइल, और सेकंडली ये कि ऑटो में आपको पता है और कराची की रोड आपको पता है किस कंडीशन के हो चुके हैं। तो बस अभी हमारा सफ़र गामजन है और हम जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाएँगे कि वैसे डेली रूटीन की लाइफ है यार, ये हर किसी की लाइफ होती है इस तरीके से कि अप एंड डाउन्स ऐसे ही रहते हैं, तबीयत ख़राब और सही ठीक ऐसे ही चलता रहता है, ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से चलती रहती है। तो हम लोग ये हैदरी से पहले वाले ब्रिज के ऊपर हैं और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं फारूक आज़म के लिए। फारूक आज़म चंद कदम की मसाफत पर ही है जहाँ पर हम टेस्ट करवाएँगे। और ये ऑटो वाले भाई से मैं कह रहा हूँ, भाई ज़रा तरीके से चला लो यार, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था ठीक नहीं है इनका ऑटो। मौसम बहुत ऑसम था इसलिए तो 5 बजे हम निकले थे तकरीबन, कोई सॉरी 5:30 बजे तक हम निकले हैं यहाँ से। और ये नए मॉल बने हैदरी की तरफ उतरते ही ब्रिज से, अच्छी है यहाँ की भी ना, मतलब लोकेशन अच्छी है और व्यू अच्छा है, आप यहाँ जा सकते हैं मैकडोनल्ड वगैरह अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट के लिए। तो फाइनल अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं चेकअप करवाने, टेस्ट करवाने और अभी बाकी सारी डिटेल देंगे आपको। हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी आगे अच्छी हुई यहाँ, चलो बेटा पहुँच चुका। और हमारा ना अभी टेस्ट वगैरह है, टेस्ट के बाद मिलेंगे और टेस्ट सभी दिखाएंगे बहुत ज़्यादा। भाई शादी के बाद की लाइफ बहुत मुश्किल है, देख सकते हैं आप मेरे हाथ में कितने ये पेपर दवाइयाँ और पानी की बोतल सब कुछ लेके आना पड़ रहा है। मेरी वाइफ का टेस्ट हो रहा है तो उसको पानी देना ही ले जाते।